So, Bismillahir Rahmanir Rahim, welcome to the second session of week 4. कल हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, मोस्टली रिलेटेड टू फायरबेस थे. और फायरबेस हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन में जो डेटा आ रहा है जेसॉन फॉर्मेट में, उसको मैनेज करना, सही है, उसको जेसॉन ऑब्जेक्ट को जो है ना एक नॉर्मल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जेसॉन से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना और ऑब्जेक्ट से फिर ऑब्जेक्ट को जेसॉन में कन्वर्ट करना. तो ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं आज के लिए. सॉरी, तो ये टॉपिक्स थे हमारे जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे. अभी आज का जो हमारा सेशन है वो मोस्टली बेस करेगा ऑथेंटिकेशन के पार्ट पे, सही है. ये जो लोकल स्टोरेज की चीजें हैं, ये थोड़ी सी मैं गाइडेंस आपको दे दूंगा और बाकी आप लोगों ने खुद से करना है. इसमें मैं आपको वीडियोज एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर दूंगा. सो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो हमारा है फायरबेस ऑथेंटिकेशन, सही है. तो हम आते हैं ऑथेंटिकेशन की तरफ. Okay, so this is our application. I don't know why it's like this. Let's restart it. So ये हमारा application है जो अभी तक हम बना चुके हैं. कल जो हमने काम किया था इसमें वो देखते हैं एक नजर. अच्छा, अभी जो डेटा हमारे पास आ रहा है ना, ये हमारे पास लोकल डेटा नहीं है, ये एक्चुअली डेटाबेस से आ रहा है, फायरबेस डेटाबेस से आ रहा है, सही है. और ये हमने कल डिस्कस किया था कि ये डेटा हमारे पास वहां से आ रहा है. और जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये जो हमारे पास एग्जीबिशंस का डेटा है, सो ये भी हमारे पास डेटाबेस से ही आ रहा है. सो ये हमने कल कवर किए हैं कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, सही है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है अच्छा, अभी तक हमने क्या किया, इस एप्लीकेशन के इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एप्लीकेशन में हमने अभी तक इमेजेस वगैरह ऐड नहीं किए ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेजेस इसमें ऐड करते हैं. एंड वो भी हमारे पास जो रिमोट इमेजेस हैं, या चलो एनी हाउ ये जो इमेजेस का काम है हम नेक्स्ट सेशन के लिए छोड़ देते हैं, इसको रिफाइन कर देंगे नेक्स्ट सेशन में. एंड जो मेन काम है, सो करते हैं काम उस पर, ऑथेंटिकेशन के पार्ट पे काम करते हैं, सही है. ओके, सो दिस इज आवर मेन एप्लीकेशन. यहाँ से हम स्प्लैश स्क्रीन में जाते हैं, स्प्लैश स्क्रीन के बाद हम लॉगिन पे. ओके, सो दैट वाज आवर स्प्लैश स्क्रीन एंड आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू द लॉगिन स्क्रीन. सो ये हमारा लॉगिन स्क्रीन है, सही है. अभी तक ये जस्ट डमी स्क्रीन था, इसमें कुछ लॉगिन वगैरह की जो क्रेडेंशियल्स हैं वो हम कहीं पे चेक नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे नेविगेट कर रहे थे. अभी हम ये करेंगे के हमें अकाउंट क्रिएट करेंगे फायरबेस में एंड उसी को यहां से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, सही है. सो हम आते हैं फायरबेस पे. Antonix Museum का हमारा प्रोजेक्ट था फायरबेस के अंदर. एंड अच्छा, अगर आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन ऐड करनी है और वो भी फायरबेस की तरफ से, सो दिस इज हाउ ऑथेंटिकेशन वर्क्स. आपने ऑथेंटिकेशन के फीचर में आना है यहाँ पर, ऑथेंटिकेशन का जो सर्विस है. एंड देन ये क्या बोल रहे हैं जनाब. ओके, सो गेट स्टार्टेड. अच्छा, फायरबेस ऑथेंटिकेशन में कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसमें जो है ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भी है, फोन भी है. फोन मतलब ओटीपी जिसको हम बोलते हैं, आपको एक कोड आता है और कोड एंटर करते हैं तो आपका ऐप लॉग इन हो जाता है. जीमेल भी है, प्ले गेम्स के मुख्तलिफ वो है, फेसबुक है, ट्विटर है, गिटहब है, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड एनोनिमस भी है, सही है. बट राइट नाउ इतने सारे टॉपिक्स हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम जस्ट फोकस करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड पे, सही है. तो अगर आपने ईमेल एंड पासवर्ड अभी इसका स्टेटस देखेंगे, ये डिसेबल्ड है, ये सारे डिसेबल्ड है, सही है. तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इनेबल करते हैं, यहाँ से इसको इनेबल कर दें एंड ओके. इसमें नीचे एक ऑप्शन है ये वाला, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये ईमेल लिंक जो है, पासवर्ड लेस साइन इन, ये उसके लिए सपोज अगर आपने किसी को लॉग इन करना है तो वो अपना ईमेल एंटर करेगा, आप उसको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे
जब वो लिंक पे क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा। सो ये वो चीज है, बट हमें ईमेल एंड पासवर्ड वाला चाहिए। सो दिस वन इज फॉर ईमेल एंड पासवर्ड। सो यहाँ से हमने ऑथेंटिकेशन ऑन कर दी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसका प्लग इन एंड करना है फायरबेस का। सो pub.dev पे जाना है आप लोगों ने। जितने भी प्लग इन है फॉर फ्लटर ऑन डार्ट के लिए वो सारे pub.dev पे मौजूद है। यहाँ पे आप लोग सर्च कर लें फायरबेस ऑथेंटिकेशन। सो फायरबेस ऑथ, सो दिस इज द प्लग इन वी विल बी यूजिंग। सही है, अगर आपने पहले से ये फायरबेस कोर का जो प्लग इन था हमने यहाँ पर कल एड किया था अगर आपको याद हो, और उसके बाद हमने ये ऐप इनिशियलाइज किया था। अगर आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये स्टेप फॉलो करना है, सही है, और उसके बाद आपने ऑथेंटिकेशन की तरफ आना है। अगर आपने फायरबेस कोर ऐड नहीं किया और अपने एप्लीकेशन को आपने इनिशियलाइज नहीं किया मेन के अंदर, इनिशियली जब ऐप स्टार्ट होता है सो आपको एरर देगा जो एरर हमें कल आ रहा था। सो अगर वो एरर आ रहा है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो फायरबेस कोर ऐड करना है, उसके बाद अपना ऐप इनिशियलाइज करना है, इस तरह जिस तरह हमने यहाँ पे किया हुआ है। सही है, सो अभी हमारा स्टेप है प्लग इन ऐड करना। तो pubspec.yaml में आके आप लोगों ने यहाँ पर इसको ऐड कर दें। सही है, एंड यहाँ से pub.get। अच्छा, अगर आप लोगों ने इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है फायरबेस इसकी, सो फ्लटर डॉट फायरबेस, ओके सो दैट्स दैट्स फायरबेस डॉट फ्लटर डॉट डेव पे जाना है। सो वहां से आपको इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। सही है, जो फ्लटर से रिलेटेड जितने भी आपके पास फंक्शन है ना उसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। सही है, आपने जस्ट यहाँ पे डॉक्स में आना है और यहाँ पे जितने भी प्लगइन्स हैं फायरबेस की तरफ से उन सब की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर मौजूद है। सही है, अगर आप देख लें स्टार्ट में ये देखें आपको ये बता रहा है कि आपने क्या ऐड करना है, फायरबेस कोर का प्लगइन ऐड करना है फायरबेस प्लगइन यूज करने से पहले। सही है, एंड देन आपने ऐप को इनिशियलाइज करना है जिस तरह हमने मेन के अंदर इनिशियलाइज किया था। सही है, सो दिस इज हाउ फर्स्ट स्टेप इज। इसके बाद हमने आना है ऑथेंटिकेशन की तरफ। अगर आपने ऑथेंटिकेशन पहले यूज नहीं की सो हम आते हैं उसकी तरफ। सो यहाँ से आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। सही है, आप इसको एक बार जरूर कीजिएगा, ये जरूरी है समझने के लिए। एंड देन हम आते हैं इसकी तरफ। लेकिन हमने यहाँ से ऐड कर दिया है और अभी हम आएंगे ऑथेंटिकेशन की तरफ। अच्छा, अभी हमने करना ये है कि हमने डायरेक्टली यहाँ से एक 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 तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे मैं ईमेल एंड पासवर्ड ले लूँ और यही से मैं जो है ना ऑथेंटिकेशन स्टार्ट कर दूँ, मतलब ऑथेंटिकेशन का जो फंक्शन है वो मैं यही पे लिख लूँ। सही है, बट दिस नॉट अ गुड वे टू डू इट। सही है, जैसे सर हमने यहाँ पे कोर में डेटाबेस के लिए, डेटाबेस के जितने काम थे उसके लिए हमने डेटाबेस सर्विसेज की एक फाइल बनाई थी, इसी तरह हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं ऑथेंटिकेशन सर्विसेज के लिए। सही है, ऑथ सर्विस, और ऑथेंटिकेशन से जितने भी रिलेटेड काम होंगे वो हम यहाँ पे करेंगे। सही है, इससे आपका कोड काफी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस यू कैन फॉलो टू राइट अ क्वालिटी कोड, और आपका जितना कोड आप ऑर्गेनाइज रखने के लिए। सो लेट्स कॉल इट फायरबेस, सॉरी ऑथ सर्विस, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग इन with email and password। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है और हम ओके सो लॉग इन विद ई मेल एंड पासवर्ड। सही है, अच्छा लॉग इन होने से पहले हम क्या करेंगे, फायरबेस ऑथ का जो है ना हम यहाँ पे एक पहले उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो फायरबेस ऑथ, ये इसको हम फाइनल कर देते हैं क्योंकि इसको हमने चेंज नहीं करना। सो फाइनल अंडरस्कोर ऑथ इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। सही है, तो आपके पास उसका इंस्टेंस आ गया है ऑथेंटिकेशन के अंदर, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया है, फायरबेस ऑथ का ऑब्जेक्ट है। एंड नाउ हमने करना क्या है, अंडरस्कोर ऑथ डॉट साइन इन। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, सही है, इनोनिमसली विद अ कस्टम टोकन, फोन नंबर, ईमेल लिंक, ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। सही है,
बट हमने राइट नाउ यूज करना है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। अच्छा, अगर आप साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड करते हैं तो इसके जो आर्गुमेंट्स हैं उनमें क्या क्या मौजूद है, इसमें हमारे पास एक ईमेल है और दूसरा हमारे पास पासवर्ड है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन को पास करते हैं ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड हमने पास कर दिया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ये ईमेल सेट करता हूँ एंड यहाँ पर पासवर्ड, सही। अच्छा, अब अगर ये फंक्शन आप लोग देखें, क्योंकि असल में जब आप रिक्वेस्ट करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए तो ये जो डाटा होगा ईमेल एंड पासवर्ड ये जाकर सर्वर पे पहले चेक करेगा और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स देगा, तो इसमें टाइम लगेगा, सही है। तो इस वजह से इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो फ्यूचर में है, तो हमने क्या करना है, इसका अवेट करना है। तो अवेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाते हैं। सो फंक्शन इज एसिंक्रोनस राइट नाउ एंड देन हम क्या करते हैं, फाइनल ये हमें रिटर्न करेगा क्रेडेंशियल्स, सही है। अब क्रेडेंशियल्स में क्या क्या होगा वो भी हम देखते हैं, क्रेडेंशियल्स, सही। अच्छा, अब क्रेडेंशियल में हमें क्या क्या रिटर्न करता है, क्रेडेंशियल्स में हमें ये रिटर्न करता है एफ क्रेडेंशियल्स डॉट, सॉरी हमने यहाँ पे अवेट नहीं लगाया, अवेट लगा लें तो अभी हो जाएगा, एंड क्रेडेंशियल्स डॉट यूजर। क्रेडेंशियल में ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, अगर आपका जो लेट सपोज ये जो डेटा ये जो ऑथेंटिकेशन है ये जो साइन इन प्रोसेस है ये सक्सेसफुल हो जाए तो ये आपको क्या रिटर्न करता है, ये फंक्शन ये आपको यूजर क्रेडेंशियल्स रिटर्न करता है, सही है। अब यूजर क्रेडेंशियल्स में क्या क्या है, उसमें यूजर का सारा डेटा मौजूद होता है, सही है। तो लेट सपोज अगर ये लॉग इन फेल होता है तो अब क्या होगा फिर, ये यूजर एक मिनट, अगर आपने चेक करना है कि यूजर सक्सेसफुल लॉग इन हुआ है या नहीं तो आपने जस्ट चेक करना है कि यूजर डॉट user credential dot user equals to null, sorry not equal to null, अगर not equal to null है तो मतलब आपके पास अगर user का data आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि user successfully login हुआ है, सही है। अगर ये मतलब user इसको हम क्या करते हैं hide कर दिया है, user log in successfully, सही है। सो अगर डेटा उसका नल नहीं आ रहा तो वो सक्सेसफुली लॉगिन हुआ है, एल्स क्या होगा, यूजर का यूजर क्या होगा, यूजर लॉगिन फेल, सही है। मतलब इसका जो यूजर लॉगिन होगा वो फेल हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, अब हम यहां पे देखते हैं, ओके वन मिनट लेट मी recharge my system, this charge is running down, okay, so let's suppose अगर ये डेटा उसका नल आ रहा है तो मतलब यूजर लॉग इन नहीं हुआ, सही है। अगर अदरवाइज यूजर आपके पास सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है, सो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास जो यूजर है ये सक्सेसफुली लॉग इन हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करते हैं रिटर्न ट्रू। अगर वो सक्सेसफुली लॉग इन नहीं होता तो हम क्या करते हैं रिटर्न फॉल्स, क्लियर। अब हमने करना क्या है, अब हमने जस्ट लॉग इन स्क्रीन पे आना है, यहाँ पर हमारे पास ईमेल एंड पासवर्ड है ना मौजूद है ऑलरेडी। सो यहाँ पर अगर हम यूआई देखें तो यूआई हमारे पास काम कर रहा है, ये देखें यहाँ पे हम ईमेल एंड पासवर्ड इंटर करेंगे, जब हम लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो तब ये जाके चेक करेगा, सही है। तब ये जाके चेक करेगा कि यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ, अगर यूजर यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हुआ है तो क्या करेगा, नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा, सही है। अदरवाइज आपको एक आपको शो करेगा कि यूजर सक्सेसफुली लॉगिन नहीं हुआ, सही है। अच्छा, अभी आता है इसमें मेन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। सो लेट सपोज हमारे पास ये क्या है, ओके अच्छा यहां पर हमने वो वैलिडेशन की है ना, एंड वैलिडेशन के बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, लेट सपोज अब डेटा जो है ना वो वैलिडेटेड है तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे रिक्वेस्ट करेंगे फायरबेस, सॉरी
auth service dot login with email and password. सही है? Sorry, this is login with email and password. So इसको refactor करते हैं. So login with email and password. So login with email and password. तो इसको हम क्या पास करेंगे? Email है और इसके साथ में password पास कर देंगे. सही है? बट इसका हम क्या करेंगे, इसका हम वेट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है ना वो फ्यूचर में आएगी. सही है? हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं बट इसकी वैल्यू क्या आएगी, फ्यूचर में आएगी. तो उसको फ्यूचर फ्यूचर एंड इसका बूल कर देते हैं. ओके, सो क्रेडेंशियल जब आएंगे अगर वो सक्सेसफुली लॉग इन होता है तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम यहाँ पे अवेट लगाएंगे. इसको हम करते हैं फाइनल एज लॉग इन. सही है? ओके, सो यहाँ पे एरर आ रहा है और एरर की वजह क्या है कि हमने अवेट लगाया हुआ है बट हमारा जो फंक्शन है कि सिंक्रोनस नहीं है, एसिंक्रोनस नहीं है, तो इसको भी हम एसिंक कर देते हैं. सो हमारा फंक्शन अभी एसिंक्रोनस है और ये क्या कर रहा है, आज सर्विस डॉट ई मेल लॉग इन विद ई मेल एंड पासवर्ड. ई मेल एंड पासवर्ड से जब लॉग इन हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो जब वहां पे सक्सेसफुली लॉग इन होगा तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा. सही है? अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न होगा. सो हम यहाँ पे एक चेक लगा देंगे, एफ इज लॉग इन सक्सेसफुली. तो अगर इसमें ट्रू आया है तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएंगे. सही है? एल्स हम क्या करेंगे, एल्स हम यहाँ पे शो करते हैं, शो एक अलर्ट डायलॉग शो करते हैं. सही है? शो अलर्ट, शो डायलॉग. ओके, सो इसको हम कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं एंड इसका चाइल्ड, एंड चाइल्ड में इसको हम पास करते हैं अलर्ट डायलॉग. सही है? अगर आपने डायलॉग बॉक्सेस यूज करने हैं यहां पर तो ये यूज कर सकते हैं. एक्सपेक्टेड जीरो बट फाउंड वन. ओके, शो ओके, सो दिस इज कॉन्टेक्स्ट एंड इसका चाइल्ड, एंड चाइल्ड में इसको पास करते हैं अलर्ट डायलॉग. ओके, सो अलर्ट डायलॉग है. अलर्ट डायलॉग हमारे पास एक ऑलरेडी बिल्ट इन विजेट मौजूद है डार्ट के अंदर, उसी को हम यूज कर रहे हैं. अच्छा, अब इसके पैरामीटर्स में हमारे पास क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं. इसमें एक टाइटल है, कंटेंट है. सही है? तो फॉर नाउ हम टाइटल एंड कंटेंट इसका यूज करते हैं. टाइटल, एंड टाइटल में हम देते हैं इसको, ये टाइटल का फॉर्म क्या है. ओके, सो देखते हैं क्या टाइटल हमारे पास एक विजिट है. तो अगर टाइटल विजिट है तो उसको हम एक टेक्स्ट विजिट पास करते हैं यहाँ पर एंड उसमें लिखते हैं कि लॉग इन फेल. सही है? एंड कंटेंट में हम इसको पास करते हैं एक टेक्स्ट विजिट एंड उसको हम कंटेंट में लिखते हैं कि प्लीज चेक यूर ईमेल एंड पासवर्ड. यहाँ पे लिखते हैं प्लीज चेक इफ यू हैव एंटर करेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड. सही है? अगर वो सक्सेसफुली लॉग इन नहीं हुआ तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम उसको लिख रहे हैं कि यार उसको मैं अलर्ट शो कर रहे हैं कि प्लीज चेक योर ईमेल एंड पासवर्ड, मे बी दैट्स रॉन्ग, सो दैट्स व्हाई यू आर अनेबल टू लॉग इन. इसको हम रिस्टार्ट करते हैं अपने अपने एप्लीकेशन को. स्लैश स्क्रीन पे हम आ गए हैं. यहाँ पे मैं कुछ डमी डेटा देता हूँ और हम चेक करते हैं कि हमारे पास लॉग इन होता है या नहीं होता. ओके, ओके, सो अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला है.
और मसला ये है कि हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं हमें कुछ नजर नहीं आता स्क्रीन पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमने यूजर को एक वो प्रोग्रेस बार शो करना है कि यार इंटरनली कुछ हो रहा है, सही है? क्योंकि अगर हम वो शो नहीं करते तो यूजर को कुछ पता नहीं होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये इशू क्या है? ओके, सो इट लुक्स लाइक कि ये दोबारा से ट्राई करते हैं, यहाँ पर रिस्टार्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन को। आई थिंक दिस इज इशू समथिंग रिलेटेड टू द फायरबेस के अंदर कोई इशू है। Okay, so it looks like some issue no implementation found for method auth register change listener on channel. Okay, so ये missing plugin exception आ रहा है। Okay, so हम क्या करते हैं, इसको हम close करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई issue है नहीं और मसला असल में backend की तरफ से है। Sorry, internal को ये error है, so Flutter clean करते हैं। उसके बाद अपना अपना एप्लीकेशन जो है उसको रीस्टार्ट करते हैं तो हमारा ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, सही है? जब तक ये क्लीन होता है, जिस तरह आपको मैंने बताया ना कि यहाँ पर ये जो है यहाँ पे जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँ ना तो यहाँ पे मुझे कोई प्रोग्रेस बार शो हो कि यार इंटरनल कुछ हो रहा है, थोड़ा वेट करें, सही है? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए हमारे पास एक प्लगइन है प्रोग्रेस हर्ड, उसको हम बोलते हैं, तो हम वो यूज करते हैं प्रोग्रेस हर्ड। आप अपना भी बना सकते हैं कस्टम, बट ये ऑलरेडी बिल्ट इन बना बनाया है, एक प्रोग्रेस हर्ड है। तो ये देखें इस तरह आपको प्रोग्रेस हर्ड नजर आएगा स्क्रीन पर, आपका जो बाकी स्क्रीन है वो डिसेबल हो जाता है। सो हम करते हैं इससे, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। सो ये प्लगइन है तो प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर pubspec.yaml फाइल के अंदर एंड इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, सो आई थिंक प्लगइन हैज बीन एडिट, बट हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। अच्छा, इस प्लगइन को हम यूज कैसे करेंगे, अगर आपने इसका यूज देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जस्ट हमारा जो मेन विजेट है ना, बॉडी है, उसको हमने रैप करना है इस विजेट के अंदर। स्केफल्ड है एंड स्केफल्ड की जो बॉडी है ना, अच्छा यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी, वही पे मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने फर्स्ट टाइम कुछ देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। सो ये हमारे पास लॉग इन स्क्रीन है ना, तो लॉगिन स्क्रीन में हमारे पास ये मेन बॉडी है उसकी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं इसको एक और विजेट के अंदर रैप करता हूँ और वो हमारे पास क्या है, प्रोग्रेस हर्ड। आई थिंक वो प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ, सो हम दोबारा रन करते हैं फ्लटर। Okay, so that name is model progress. Okay, अभी तक उसने plugin add नहीं किया, असल में इस वजह से issue आ रहा है। Model progress hard. असल में ये widget का नाम है और ये अब आ नहीं रहा और उसकी वजह जो है तो क्या करते हैं फॉर नाउ इसको हम यहां से ओके ये एप्लीकेशन रन हो जाए तो उसको दोबारा से फिट करते हैं। असल में राइट नाउ एप्लीकेशन यहां पे हमारा रन हो रहा है, तो जब वो सक्सेसफुली इंस्टॉल होगा तो तब हम करेंगे इसको। तो लेट्स सपोज इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे यहां पे वो एक प्रोग्रेस आपको शो होना चाहिए, तो उसके हम काम हम वो इस पेज से लेंगे।
सही है, अभी तक वो प्लगइन असल में उसने ऐड नहीं किया। एंड इट्स टेकिंग सम टाइम टू। अच्छा, ये मॉडल प्रोग्रेस हट तो हमने यहाँ पर भी लगा दिया है, इसकी हमें एक और जगह पर भी जरूरत थी जो हमने यूज नहीं किया था, अभी तो ये काम नहीं कर रहा। चलें जब ये नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं फिर देखते हैं उसको। सो कम ऑन ब्रो, जल्दी इंस्टॉल हो जा, इट्स टेकिंग टू मच टाइम। अच्छा, लास्ट टाइम ये इश्यूज आपके पास आते हैं जब आप नया प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो फाइल्स वो प्रॉपरली ऐड नहीं कर पाता या ऐड नहीं किया होता, तो उसकी वजह से ये इशू आता है जो अभी आ रहा था। सो उसके लिए फिर ये है कि आप क्या करें, फिल्टर क्लीन रन करें, दोबारा से एक नया बिल्ड जनरेट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द इशूज आपके रिजॉल्व हो जाते हैं। इस तरह मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट दिस इज वन वे टू रिजॉल्व योर इशूज। बिल्ड हमारा जनरेट हो चुका है, अभी वो इंस्टॉल हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये करता हूँ कि इसको मैं ठीक करता हूँ। मॉडल प्रोग्रेस ओ भाई, अब तो इंपोर्ट भी हो जाए ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं उसको, देखते हैं कि क्यों नहीं आ रहा। ओके, सो एक्चुअली उन्होंने असल में क्लास का नेम चेंज किया है, प्रोग्रेस हट कर दिया है। स्टार्ट में इसका नेम प्रोग्रेस हट नहीं था, ये मॉडल प्रोग्रेस हट था इनिशियली। सो ये क्या कर रहे हैं, ओके वन मिनट, आई थिंक हमने कोई गलत प्लगइन ऐड कर दिया है। जो प्लगइन में यूज करना चाहता था वो नहीं किया। मॉडल प्रोग्रेस हट, ओके सॉरी, मैंने गलत प्लगइन डाल दिया था। सो द वन वी वर लुकिंग फॉर, आप यहाँ पे देखें उसकी एग्जांपल, यही प्लगइन हमें चाहिए। ओके, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो पुराना प्लगइन रिमूव करके हम ये प्लगइन दोबारा से इंसर्ट करते हैं। ओके, सो लॉगिन स्क्रीन है, यहां पे हमने क्या ऐड करना है, मॉडल प्रोग्रेस हट। So this is the widget we wanted to use. ये child. अच्छा, अब इसके अंदर एक पैरामीटर होता है in async call, सही है? जब ये इसको जब हम true pass करते हैं ना, इसको जब हम true करते हैं, तो ये देखें आप। Suppose one minute. Okay, इसको मैं जब true करूँगा, अब ये देखें इसको true करते हैं, तो ये देखें आपके स्क्रीन पे आपको वो progress bar show हो रहा है, सही है? अब इसको फॉल्स करते हैं ना, तो ये देखिए वो खत्म हो जाएगा, सही है? तो इस वजह से हमें यहाँ पे एक बूल वैल्यू चाहिए, शो प्रोग्रेस तो यहां पर हमें एक बूल वैल्यू चाहिए, शो प्रोग्रेस, सही है? एंड उसको हम इनिशियली फॉल्स रखते हैं, सही है? इनिशियली हमें ये शो नहीं होगा,
और यहाँ पे ये जो इन एसिंक है ना, इसको हम ये वैल्यू पास करते हैं, सही है। इसको हम शो प्रोग्रेस का जो फ्लैग है ये पास करते हैं, शो प्रोग्रेस का फ्लैग इसको पास किया है। अब फिर हम क्या करते हैं, फिर जब कोई इस बटन पे क्लिक करता है, इस बटन पे ऑन प्रेस्ड पे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिट स्टेट के अंदर उसको सेट करते हैं, सही है। शो प्रोग्रेस को हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, सही है। और इस फंक्शन के एंड पे उसको क्या करते हैं, उसको दोबारा से फाल्स कर देते हैं, क्योंकि उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ती। और नहीं, वहां पर नहीं करते हैं उसको, अगर वो वैलिडेट हो जाए, यहाँ पर नहीं करते हैं उसको। फर्स्ट हम वैलिडेशन करेंगे ना, वैलिडेशन से पहले तो नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वैलिडेट थिंग, एंड वैलिडेशन के बाद हम यहाँ पर इनिशियली उसको ट्रू करेंगे, सही है। तो यहाँ पे हमें प्रोग्रेस बार शो हो जाएगा, सही है। उसी टाइम पे ये इस प्रोसेस को कुछ टाइम लगेगा, ये जो प्रोसेस है इसको टाइम लगेगा, सही है। तो यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, उसको उसको हम फॉल्स कर देते हैं, ये फॉल्स। असल में ये जो लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड है ना, ये चेक करने में उसको टाइम लगेगा, तो उस टाइम तक हमें यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार शो होगा, सही। तो हम यहाँ पे करते हैं test@gmail.com एंड pass123, ये हमारा पासवर्ड है। हम इस करते हैं लॉग इन करने की कोशिश करते हैं, ये देखें अभी हम लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, देखते हैं क्या इशू है। ओके, सो स्टिल गेटिंग दिस एरर, देयर इज नो यूजर रिकॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू दिस आइडेंटिफायर, यूजर मे हैव बीन डिलीटेड। अच्छा, वो हमें वहां से एरर दे रहा है कि ओके, एक मिनट। अच्छा, इस मैसेज में यहाँ पे एक एरर आ रहा है और उसको प्रॉपर हैंडल नहीं किया गया। अच्छा, जब आप ये फंक्शन लिखते हैं ना, तो इसमें आप ये करें, यहाँ पे आपने ट्राई एंड कैश डालना है। ट्राई, ये हमने ट्राई कर दिया है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैच। तो जब आपका जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो यहाँ पे आपको ये एरर देगा, एरर रिटर्न करके देगा, और उसकी वजह भी फिर आप बाद में मालूम कर सकते हैं। यहाँ से हम रिटर्न नहीं करते, यहाँ से जस्ट मैं फॉल्स रिटर्न करता हूँ। लॉग इन फेल, रीजन हम यहाँ पे करते हैं विद रीजन, और ये डॉलर की, ये हमें असल में वो एरर कोड्स भी इसमें आते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। इस पे मैं आपको एक स्पेशल, मैंने प्रॉपर वो एक आर्टिकल लिखा हुआ है एरर कोड्स वगैरह पे, तो वो आप लोग वहां से देखेंगे। बाकी आप लोग जो मेन प्रोसेस है वो समझ लें यहाँ पर। इसको हम रिस्टार्ट करते हैं, ये रिकॉर्ड वहां पे मौजूद नहीं है ना, तो ये आपको एरर ही आएगा। और एक तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल गलत है, सही है। ये देखें, लॉग इन फेल्ड विद रीजन, ये देखें द ईमेल एड्रेस इज बैडली फॉर्मेटेड, सही है। तो ये एरर जो है ना, ये हमें फायरबेस की तरफ से आता है, इसको हम प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, सही है। प्लीज चेक इफ यू हैव एंटर्ड करेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड, ये हमने यहाँ पर क्या किया हुआ था, ये देखें लॉग इन स्क्रीन था ना, सो हमने यहाँ पे इनिशियली चेक कर रहा है, यहाँ पे लॉगिन स्टेटस आएगा, अगर लॉगिन है तो उसको लॉगिन कर देगा, नेक्स्ट स्क्रीन पे उसको ले जाएगा, सही है। अदरवाइज हमें ये यहाँ पे एक डायलॉग शो कर रहा है, सो दिस इज हाउ एन अलर्ट डायलॉग इज, जो आपको ऊपर लॉगिन फील्ड नजर आ रहा है, ये इसका टाइटल एरिया है, और बाकी जो एरिया है ना, ये कंटेंट एरिया है। इसमें कुछ और भी फील्ड्स हैं, वो भी आप डिस्कवर कर सकते हैं।
इसके अलावा आप लोग ये अपना जो अलर्ट डायलॉग है ना, इसको आप कस्टम डिजाइन भी कर सकते हैं। सही है। ओके सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चेक करते हैं एक सही ईमेल पे एंड उसको उससे लॉग इन करने की कोशिश करते हैं। सही है। जब यूजर्स में आएंगे ना, यहां से यूजर एड कर सकते हैं। सही है। मैं यहाँ पे यूजर एड करता हूँ test@gmail.com, उसका मैं पासवर्ड इन करता हूँ pass123। सही है। अब हम यहाँ पे दोबारा लॉग इन होने की कोशिश करते हैं test@gmail.com एंड इसको रिमूव करके। ये देखें, आप सक्सेसफुली लॉग इन होकर नेक्स्ट स्क्रीन पे चला गया था। सही है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब अगर आप लोग देखते हैं, मैं बैक स्क्रीन पे प्रेस करता हूँ ना, मैं बैक प्रेस करता हूँ तो मैं बैक स्क्रीन पे वापस आ जाता हूँ। सही है। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब मैं नेविगेशन वगैरह को डिस्कस कर रहा था, किसी भी एप्लीकेशन में ना, आप जब लॉग इन होते हैं तो आप वापस बैक लॉग इन बैक बटन पे लॉग इन स्क्रीन पे वापस नहीं आता। सही है। तो अभी इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास वो नेविगेशन स्टैक है ना, तो स्टैक में ये जो स्क्रीन है हमारे पास पड़ा हुआ है नेविगेशन स्टैक में, तो अब हम यहाँ पे जस्ट पुश कर रहे थे ना। अगर आप चाहते हैं कि वापस हम इस स्क्रीन पे ना आ सके, मतलब यूजर को हम अलाउ ना करें कि वो वापस जो बैक का बैक लॉग इन स्क्रीन है उस पर आ जाए, तो उसके लिए ये है ना कि आप लोगों ने डायरेक्टली नेविगेशन यूज नहीं करना। उसके लिए हम एक और विजिट यूज करते हैं, इसको मैं यहां से हटा के, उसके लिए हम एक और कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, navigator.push and remove until, push and remove until। सही है। और यहां पर हम ये जो नया राउट है ये देंगे, असल में ये जो फंक्शन है, ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, सॉरी फंक्शन जो है पुश एंड रिमूव अनटिल वाला, ये असल में यहाँ पे हम इसको एक राउट देते हैं कि उस राउट और इस राउट के दरमियान जितनी भी स्क्रीन है ना, उसको आप पॉप कर दें, मतलब उसको रिमूव कर दें, नेविगेशन स्टैक से हटा दें। सही है। अगर आप यहाँ पे जस्ट फॉल्स वैल्यू देते हैं, सो फॉल्स में फिर हम क्या करते हैं, फॉल्स का मतलब ये है कि मतलब जितने भी स्क्रीन हैं बैक पे, वो सारे सबको, जितने भी स्क्रीन हैं सबको रिमूव कर दो। सही। अब हम यहाँ पे आते हैं, हम दोबारा लॉग इन होने की कोशिश करते हैं यहाँ से। सही है। दोबारा लॉग इन हो गए हैं। अभी अगर लेट सपोज मैं वापस बैक जाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा ऐप जो है ना वो बैक नहीं है, बल्कि वो मतलब उसने फाइनल स्क्रीन कंसिडर किया है और उसको वापस उसने एप्लीकेशन को क्लोज किया है। सही है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने जो बैक का जो नेविगेशन स्टैक था ना, उसको रिमूव कर दिया है। सही। अच्छा, अब इसमें एक और बात है, यहां पर आप लोग देखें, लॉगिन तो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया है, लेकिन जब मैं दोबारा से अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूं तो वो वापस लॉग इन स्क्रीन पे आ जाता है। तो ये हमने हैंडल करना है। सही। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैंने जो आज सर्विस बनाया हुआ है, इसमें मैं एक फंक्शन बनाता हूं बूल, उसको मैं कहता हूं एज लॉग इन। सही। एज लॉग इन क्या करेगा, एज लॉग इन जस्ट चेक करेगा कि हमारा जो करंट राइट नाउ यूजर्स हैं वो लॉग इन है या नहीं है। अगर आपने लॉग इन, मतलब यहाँ ये तो हमारे पास लॉग इन प्रोसेस था ना, जब आप लॉग इन हो जाते हैं ना, तो ये जो आपका ये ऑथेंटिकेशन का जो ऑब्जेक्ट है, इसमें आपके पास वो ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। सही है। ऑथ डॉट करंट यूजर। सही है। जब आप लॉग इन हो जाते हैं ना, जब भी आप ये ऑथ डॉट करंट यूजर कॉल करेंगे, ये आपको एक यूजर रिटर्न करेगा। सही है। फाइनल यूजर इक्वल्स टू, ओके, आप जस्ट क्या चेक करें यहां पर, आथ डॉट करंट यूजर, अगर ये हमारे पास नल नहीं है तो इसका मतलब है कि यूजर लॉग इन है।
सही है, रिटर्न ट्रू कर दें। ओके, फ्यूचर में नहीं रिटर्न करेगा, जस्ट वो डायरेक्टली रिटर्न करेगा। एंड एल्स रिटर्न फॉल्स, सही है। जब भी आपने चेक करना है कि हमारा यूजर लॉग इन है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस आथ अंडर आथ आथ डॉट, जो हमारे पास ये है ना, फायरबेस डॉट आथ, सॉरी फायरबेस आथ डॉट इंस्टेंस, सही है, डॉट करंट यूजर, वो हम चेक करते हैं। अगर वो नल नहीं है तो मतलब हमारा यूजर लॉग इन है। जब आप यूजर को लॉग आउट करते हैं ना, तो तब ये जो आथ डॉट करंट यूजर है ना, वो हमारे पास वो इक्वल टू नल होता है, सही है उस केसेस में। ये और ये सब कुछ जो है ना, वो फायरबेस का जो प्लगइन है ना, ये इंटरनली, ये उसकी जो इंटरनली ये उसको खुद मेंटेन करता है इन सब वैल्यूज को, सही है। वो आपका यूजर रिकॉर्ड है वो भी खुद मेंटेन करता है, वो आपको बार बार मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। सो मैं क्या करता हूँ, मैं स्प्लैश स्क्रीन पे आता हूँ। जैसे ही मैं, लेट सपोज देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनिशियली हम स्प्लैश स्क्रीन पे जाते हैं, सही है। स्प्लैश स्क्रीन पे हमने यहाँ पे अवेट लगाया हुआ है, सही, अवेट लगाया हुआ है। 2 सेकंड के लिए हम यहाँ पे वेट करते हैं, उसके बाद हम फिर ये लॉगिन स्क्रीन पे जा रहे हैं, सही है। अभी हमने डायरेक्टली लॉगिन स्क्रीन पे नहीं जाना, अभी हमने चेक करना है कि एफ फायर सॉरी ऑथ सर्विस डॉट एज लॉगिन, सही है। अगर वो लॉगिन है तो हमने तो फिर लॉगिन स्क्रीन पे नहीं जाना, सही है, हमने किसी और स्क्रीन पे जाना है फिर। तो हमने जाना है किस स्क्रीन पर, हमने जाना है होम स्क्रीन पे, सही, अगर यूजर लॉगिन है। अगर लॉगिन नहीं है फिर हमने क्या, कहाँ भी जाना है, लॉगिन स्क्रीन पे उसको लेके जाना है। सो दिस इज हाउ दिस फंक्शन, दिस थिंग वर्क्स। अभी देखें आप लोग, इसको मैंने रीस्टार्ट किया है अपने एप्लीकेशन को, ये स्प्लैश स्क्रीन के बाद अभी डायरेक्टली जाएगा होम स्क्रीन पे, क्योंकि हमारे पास यूजर लॉग्ड इन है करंटली, सही है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं लॉग आउट का, सही है। यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन बनाते हैं और उसी पे यूजर को लॉग आउट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये प्रोसेस हमारा काम कर भी रहा है या नहीं रहा। सो हम होम स्क्रीन पे जाके हमारे पास यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक चले हम यहाँ पे क्या ऐड करें, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टॉप पे मैं एक बटन ऐड करता हूँ राइट नाउ, जस्ट जस्ट फॉर प्रैक्टिस, सही है। ये हमारे पास हेडर है, एंड हेडर के बाद मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करता हूँ रेज्ड, एंड ऑन प्रेस में हम उसको पास करते हैं ये हमारे पास बटन आ गया है यहाँ पर। इसको मैं एक चाइल्ड पास करता हूँ फर्स्ट के, कुछ तो यहाँ पे हमें देखें चाइल्ड, एंड चाइल्ड में हमें टेक्स्ट पास करते हैं इसको, एंड इसको हम करते हैं लॉग आउट। ओके, सो आथ सर्विस में हम दोबारा आते हैं, यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाते हैं लॉग आउट का, सही है। अगर आपने लॉग आउट करना है यूजर को, आपने जस्ट करना है auth डॉट साइन आउट, बस ये फंक्शन आप कॉल कर दें, और ये भी हमारे पास एक्चुअली ये है एसिंक्रोनस फंक्शन है, ये साइन आउट करने में उसको टाइम लगता है। सो दिस इज हाउ यू कैन लॉग आउट द यूजर, सही है। यहाँ पे हमने लॉगिन का प्रोसेस किया है, यहाँ पे हमने साइन आउट का प्रोसेस किया है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास वो लॉग आउट का बटन आ रहा है, क्लियर।
हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर आके ये जो हमारे पास वो था फंक्शन था आर्थ सर्विस एंड डॉट लॉग आउट, लॉग आउट करना है यहाँ पर। एक मिनट अच्छा, यहाँ पे हम अवेट लगाएंगे क्योंकि ये टाइम लगेगा इसको, एसिंक्रोनस ओके उसको हमने एसिंक्रोनस कर दिया है। एंड जब हम उसको यूजर को लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करने के बाद उसको हमने कहाँ पे लेके जाना है, उसको हम करते हैं सेंड नेविगेटर डॉट पुश, पुश नहीं हमने पुश एंड रिमूव अंटिल करना, पुश एंड रिमूव अंटिल एंड यहाँ पे हम राउट देते हैं उसको मटेरियल एंड यहाँ पर हम उसको देते हैं लॉगिन स्क्रीन। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूजर को लॉग आउट करते हैं, हम लॉग आउट करने के बाद अंदर उसको लॉगिन स्क्रीन पे लेके जा रहे हैं, सही है। ये लॉग आउट करने के बाद यूजर का जो करंट वो स्टेटस है वो रिमूव करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ इट शुड वर्क। ओके लॉग आउट हो गया है यूजर, सही है। अभी लॉग आउट हो गया ना यूजर, मैं दोबारा से अपने ऐप को रिस्टार्ट करूंगा ना तो स्प्लैश स्क्रीन के बाद वो लॉगिन स्क्रीन पे आएगा, वो होम स्क्रीन पे नहीं जाएगा, ये देखें सही है। अब मैं उसको दोबारा से यहाँ पर लॉगिन करता हूँ ना, देखें test@gmail.com pass123 लॉगिन, ये लॉगिन स्क्रीन पे आ गया ना अभी होम स्क्रीन पे। अब इसको मैं दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ, ये अब देखें लॉगिन के बजाय वो जाएगा डायरेक्टली होम स्क्रीन पे। सो दिस इज हाउ दिस लॉजिक वर्क, सही है। ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है एंड टू बी हॉनेस्ट मुझे इसको सीखने में बहुत टाइम लगा है क्योंकि मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था समझाने के लिए, तो मैंने खुद सीखा था, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा था इसको समझने में कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे प्रॉपरली। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा अब एक और चीज है, वो है हमारे पास जब हम यहाँ से कोई ना एक म्यूजियम ऐड करते हैं, टेस्ट एंड लिमिट यूआरएल, जब इस बटन पे क्लिक करते हैं, चले उसको छोड़ देते हैं राइट नाउ, नहीं करते हैं, दैट्स एनफ। सो दिस इज हाउ लॉगिन वर्क्स, सही है। तो ये हमारे पास था लॉगिन का प्रोसेस। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा काम एक और करते हैं आज सर्विस में, कि हम यूजर को लॉगिन नहीं बल्कि उसको साइन अप करते हैं, सही है। तो साइन अप हम करते हैं यहां पर उसको क्रिएट अकाउंट विद ईमेल, सही है, क्रिएट अकाउंट विद ईमेल एंड पासवर्ड, सही है। सो एंड यहां पर हम करते हैं साइन आउट का ना, तो यहां पे हम करेंगे क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, सही है। तो ये हमारे फायरबेस से हमें ये प्रोवाइड करता है, सही है। और बाकी बाकी जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम है। ये भी आपको जो है ना वो यूजर क्रेडेंशियल रिटर्न करेंगे, सही है। अगर यूजर क्रेडेंशियल में यूजर मौजूद है तो मतलब ऑलरेडी उसका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अगर वो मौजूद नहीं है तो मतलब उसका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, सही है। अगर हमारे पास यूजर नल है ना, नल आ रहा है तो मतलब उसका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, सही। और यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, अकाउंट क्रिएशन फेल्ड, अकाउंट क्रिएशन फेल्ड विद रीजन, सही है। बाकी इसमें कोई डिफरेंस ना खास नहीं है दोनों में। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास लॉगिन स्क्रीन था ना जस्ट, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लॉग आउट करता हूँ यूजर को, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड की बजाय इसको मैं चेंज करता हूँ लॉगिन स्क्रीन है ना, सो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड की वजह से मैं करता हूँ साइन अप, सही है। और मैं साइन अप का एक अलग से एक स्क्रीन बनाता हूँ,
सही। सो ये लॉग इन स्क्रीन था ना, इसको मैं लॉग इन के बजाय इसको मैं एक और भी स्क्रीन बनाता हूँ, साइन अप स्क्रीन। ओके सो साइन अप स्क्रीन, एंड इसको हम साइन अप स्क्रीन कर देंगे। ओके सो दिस इज साइन अप स्क्रीन। ये देखिए अब साइन अप स्क्रीन आ रहा है, तो हम इस पे साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो असल में आई डोंट नो ये भी किस अकाउंट पे, तो चलें इसको हम करते हैं साइन अप टू एंटोनिक्स म्यूजियम। साइन अप टू यूज, इसको हम चले रिस्टार्ट करते हैं तो हमें अंदाजा हो जाएगा क्या हो रहा है। ओके ओके सॉरी, अभी हमारे पास ये जो टेक्स्ट नजर आ रहा है ना, ये क्लिकेबल नहीं है, मतलब इस पे हम कोई फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हैं। सही है, सॉरी राइट नाउ हम लॉग इन स्क्रीन पे है ना। तो लॉग इन स्क्रीन का जो ये साइन अप मैंने अभी यहाँ पर चेंज किया था, क्रिएट अकाउंट मैंने चेंज करके उसको मैंने साइन अप कर दिया था ना, ये फॉरगॉट पासवर्ड का सेक्शन था। सो इसको मैंने साइन अप कर दिया था, ये इसको करते हैं क्रिएट अकाउंट। अच्छा अगर इसको अपने अभी क्लिकेबल बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस विजेट को हम रैप कर लेंगे एक और विजेट के अंदर। सही है, जिसको हम बोलते हैं उसका नाम भूल गया हूँ, एक और विजेट हमारे पास है जिस्टर डिटेक्टर, सॉरी हाँ जिस्टर डिटेक्टर एक विजेट है, उसमें मैंने रैप कर दिया है। उसमें हमारे पास एक वो मौजूद है ऑन टैप। सही है, तो ऑन टैप अभी देखेंगे क्लिकेबल होगा। सही है, क्रिएट अकाउंट टैप। अभी जब मैं इस पर टैप करता हूँ, ये देखें क्रिएट क्रिएट अकाउंट टैप, अभी ये क्लिकेबल हो गया है। सही है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, नेविगेटर डॉट पुश। सही है, और यहां पे इसको मैं राउट दूंगा, राउट उन्हें कौन सा देना है, साइन अप वाला। साइन अप इससे हम जाएंगे साइन अप स्क्रीन पर। सो क्रिएट अकाउंट पे देना, साइन अप टू यूज एंटोनिक्स उस पे आ गया। यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पे लॉगिन है ना, तो लॉगिन के बजाय इसको हम कर देंगे, ये साइन अप स्क्रीन है आप, लॉगिन के बजाय इसको हम कर देंगे साइन अप बटन। सही, एंड यहाँ पे बाकी सारा प्रोसेस से हमने कुछ चेंज नहीं करना, जस्ट हमने यहाँ पर जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं ना, ये देखें एज लॉग इन, इसको हम चेंज करके एज अकाउंट क्रिएटेड कर लेंगे, एज अकाउंट क्रिएटेड। एंड यहाँ पर लॉग इन के बजाय इसको क्या कर देंगे, क्रिएट अकाउंट। सही, मतलब हम ये वाला फंक्शन कॉल कर देंगे ना, क्रिएट अकाउंट वाला फंक्शन कॉल कर देंगे वहां से। सो दैट्स क्रिएट अकाउंट, एंड यहाँ पे एज अकाउंट क्रिएटेड। अगर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है तब उसको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएं, अदरवाइज हमने क्या करना है, अदरवाइज हमने यहाँ पे उसको लॉग इन फेल अकाउंट क्रिएशन फेल, सॉरी वन मिनट।
इसको हम अकाउंट क्रिएशन फेल कर देंगे एंड चेक इफ यू हैव एंटर्ड करेक्ट ईमेल. सही है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं. वहां पे टेस्ट करना, तो इसको test1@gmail.com एंड यहाँ पे इसको pass123 ने पासवर्ड भी दे दिया है इसको. हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारा अकाउंट क्रिएट होता है या नहीं होता. आई थिंक हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है यहाँ से. अगर आपने चेक करना है कि हुआ है या नहीं, तो आप यहाँ पर इसको वेरीफाई कर सकते हैं. इसको हमने रीलोड करें तो यहाँ पर आपका आपके पास वो यूजर के क्रेडेंशियल आ गए होंगे फायरबेस कंसोल में. ये देखें, टेस्ट वन अकाउंट क्रिएट हो चुका है. सही है. सो यहाँ तक हमने इसको, मैं दोबारा से लॉगआउट करता हूँ. अभी हम लॉगिन स्क्रीन पे है ना, तो लॉगिन स्क्रीन पे उसको मैं क्या करता हूँ, टेस्ट वन को मैं लॉगिन करता हूँ. test1@gmail.com एंड pass123. ये देखें, सो यहाँ तक हमने पूरा ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो कर लिया है. एंड दिस इज हाउ इट शुड वर्क. इसमें एक छोटी सी और इम्प्रूवमेंट करनी है, वो ये है कि जब इस बटन पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर हम जब वैल्यूज लिखते हैं, लेट्स सपोज मैं करता हूँ टेस्ट म्यूजियम एंड टेस्ट एड्रेस. सही है. मैं जब ऐड करता हूँ, अब मुझे कुछ अंदाजा नहीं हो रहा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. सही है. म्यूजियम ऐड हुआ है या नहीं हुआ. सही है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास था बटन पे था ना, सो हम ये ऐड म्यूजियम स्क्रीन था ना, तो ऐड म्यूजियम स्क्रीन में क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पर भी मैं एक वो लगा देता हूँ, प्रोग्रेस हेड लगा देता हूँ. सही है. मॉडल प्रोग्रेस हेड एंड इसको हम इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पर. इम्पोर्ट एंड यहाँ पे इसको इन एसिंक चाहिए ना, तो इन एसिंक में इसको हम ये बोल शो प्रोग्रेस हार्ट एंड इसको पास कर देंगे फॉर नाउ एंड शो प्रोग्रेस हार्ट. सो जब हम ये एड बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो मैं ये डेटाबेस ये फंक्शन में कॉल करता हूँ. सही. अब ये firestore.collection में वो म्यूजियम ऐड कर रहा है, बट ये हम ये भी असल में ये फ्यूचर में है. सही है. सो इसको भी होने में टाइम लगेगा. सही है. इसको भी आप एसिंक कर दें. सही है. असल में ये डेटा ऐड करने में इसको टाइम लगेगा ना, और इसको भी मैं यहाँ से फ्यूचर में void पास करता हूँ. कुछ फॉर टाइम बीइंग कुछ पास नहीं कर रहा, जस्ट को उसको वेट कराने के लिए. तो जब हम यहाँ से कॉल करते हैं ना, तो यहाँ पर अब ये देखें, ये फ्यूचर में है ना, ये टाइम लगेगा इसको, तो इसको मैं यहाँ पे अवेट डाल देता हूँ. सही है. अवेट, लेकिन अवेट से पहले इसको ऐसे क्लोज करना पड़ेगा. ओके. सो एड म्यूजियम को टाइम लगेगा एड होने में, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोग्रेस बार उस टाइम तक शो करता हूँ. क्योंकि मसला ये है ना, लेट सपोज अगर कोई बंदा इस बटन पे मल्टीपल टाइम टैप करेगा ना, तो आपके वहां पे मल्टीपल म्यूजियम ऐड हो जाएंगे. सही. तो इसको सेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेट स्टेट एंड इसके अंदर मैं करता हूँ शो प्रोग्रेस हार्ट को मैं शो कर देता हूँ. सही है. एंड यहाँ पर जब ये सक्सेसफुली हो जाए, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेट स्टेट शो प्रोग्रेस हार्ट. वापस बैक पे चले जाना है, तो उसको आप नेविगेटर डॉट पॉप कर दें. नेविगेटर डॉट पॉप, तो ये आप ये जो स्क्रीन है इसको पॉप कर देगा. कॉन्टेक्ट पास करना पड़ता है. सो मैंने कॉन्टेक्ट पास नहीं किया था. सो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे एक और टेस्ट म्यूजियम ऐड करता हूँ, टेस्ट
टू एंड उसको मैं करता हूँ टेस्ट टू एड्रेस, सही है। अब ये क्या करेगा, ये देखें ये ऐड कर दिया उसने, उसके बाद फिर पॉप आउट हो गया है, मतलब वहां से दूसरे म्यूजियम ऐड करके वो स्क्रीन से वापस जो बैक स्क्रीन था उस पर आ गया है, सही है। जो म्यूजियम हमने दो ऐड किए हैं वो भी अभी यहाँ पर लिस्ट में आ जाएंगे, उसके देखने के लिए मैं दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ अपने एप्लीकेशन को, ये ताकि ये स्क्रीन हमारे पास रीलोड हो जाए। एंड ये देखें टेक्स्ट म्यूजियम आया हुआ है यहाँ पर, एंड टेक्स्ट टू म्यूजियम भी आया हुआ है, सही है। ये देखें टेक्स्ट म्यूजियम एक और भी हमने ऐड किया तो वो आया हुआ है। सो दिस डेटा इज टोटली कमिंग फ्रॉम द डेटाबेस और हमने इसमें ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी है, लॉग इन लॉग आउट सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो चुका है इसमें। So, I think that's all for today. What we have, इसमें हमने पूरा एक लॉगिन का जो प्रोसेस था वो समझ लिया है, and I hope it's gonna be helpful for you as well. So that's all from my side for today. So now, if you have any question, most welcome. If you have any question, most welcome. Anyone having any question, most welcome. Okay, so you don't have any question, no questions. Code आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा और इंशाल्लाह इस वीक आपको मैं से इंशाल्लाह एक टाइट सा असाइनमेंट दूंगा, तो आप लोगों ने इसमें अपनी फौरी मेहनत करनी है, सही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हमारा सेकेंड लास्ट वीक होगा, उसमें हमारे कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जो मेन टॉपिक है वो इसमें इमेजेस एड करना, सही, एसेट्स वगैरह एड करना, और जो दूसरे टॉपिक्स वहाँ पे हमारे लास्ट वीक के हैं उसके साथ साथ, सही। सो सी यू अगेन, सी यू सून, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।